शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Watch each face carefully. और से देखिए हर चेहरे को। आप तीनों ने उन खूनियों को देखा है। वो मुजरिम बच के जाने ना पाए। तेरी नजर से कोई नहीं बच पाएगा बच्चा। तेरा भाग्योदय होने वाला है। अलोक निरंजन, माथे पर विलायत का योग है। अलोक निरंजन। Pull him up. Any suspect, pull him up. ले जाओ इसको अंदर। किसी पे जरा सा भी शक हो तो खींच लेना बाहर। Watch them carefully. They may be in disguise. और से देखो हर चेहरे को। वो भेस बदल कर आ सकते हैं, दाढ़ी लगा कर आ सकते हैं, मूछें मुड़वा कर आ सकते हैं। हाथ निकल ले। सीधा चल। लेकिन चल। आयो। माफ कीजिए मैं गिर गया। हमको मालूम तुम गिरा हुआ आदमी है। चलो चलो क्या जाने दो। हमने तुमको कितनी बार बोला हमको लंदन से इंडिया नहीं आने का है, नहीं आने का है। शट अप। लेकिन तुमको अपनी मातों से मिलने का। ऐसा लोग है इधर, ऐसा ही तुम्हारा इंडिया। शट अप विल यू। ओह सॉरी। ऐसा ऐसा ऑफिसर ही तुमको ठीक रख सकता है। 150 साल ये लोग ने तुमको मारा लेकिन तुमको अकल नहीं आया, इसको आया। ऑफिसर बन गया। स्मार्ट इंडियन, स्मार्ट इंडियन। थैंक यू सर। लेट्स गो। आइए सर। कम ऑन विल यू। हटो पीछे। जेंटलमैन को रास्ता दो। जेंटलमैन को रास्ता दो। हटो पीछे। आइए सर। थैंक यू थैंक यू। आप लोग वहां क्या देख रहे? वहां देखिए, गौर से। मैं भी देखता हूँ ये तीनों मुजरिम लाहौर से बचकर कैसे निकलते हैं। तुम ठीक कह रहे हो भगत। मैं इतने दिनों से यहां हूं लेकिन बहुत कम लोग हैं यहां जिन्हें हमारी पार्टी के बारे में पता है, और उससे भी कम ये जानते हैं हमारे उद्देश्य क्या हैं, हमारे विचार क्या हैं। कलकत्ता में ये आले तो बाकी देश का क्या होगा? कौन जानेगा मैं? ऐसा क्यों? सारा देश चाहता था कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाए। जान जोखिम में डाल के हम लोगों ने उस जज्बे को अंजाम दिया है। भाभी ये आप कह रही हैं। लाहौर में 4 पोस्टर लग गए, लखनऊ कानपुर में 2-3 लेख छप गए, तो ये पूरा हिंदुस्तान तो नहीं हो गया? हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जनता को नहीं मालूम। उनकी नजरों में तो हम वही हैं जो अंग्रेजों ने हम पर ठप्पा लगा दिया है, आतंकवादी। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने भी हमें वही बताया है, यही सब जगह हमारे बारे में छपा है, और लोग भी हमारे बारे में यही समझते हैं। सच तो यह है कि हम अब तक आवाम के साथ जुड़ नहीं पाए हैं। जो इनकलाब का सपना हम लोगों ने देखा था वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आवाम हमारे साथ नहीं। ठीक कहते हो भगत। एक हम हैं जो देश के लिए मरते हैं मारते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता, और एक ये हैं जो छींकते भी हैं तो पूरे देश को सुनाई देता है। अब हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि पूरे देश को सुनाई दे। हम बम फोड़ेंगे। यहाँ एक आदमी है, जतिन दास नाम है उसका, केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, वो हमें बम बनाना सिखा सकता है। अरे ज्योतिंदा गुरु लोग, हम जानता है ना, भीषण प्रतिभावान मानुष, ठीक मतो बम बनाना एकमात्र वही जानता है। किंतु फोनिता उन्हें आसबेन ना, हिंसा का रास्ता ज्योतिंदा ने छोड़ दिया है, वो नहीं आएंगे। इसीलिए उसने मना किया। भगत अगर तुम कोशिश करो तो शायद वो मान जाए। ना आमी तुम्हारे संगे जाबो ना। जिस रास्ते पे तुम लोग चल रहे उस रास्ते पे कुछ हासिल नहीं होगा। पंडित जी मैं कह रहा हूँ इस रास्ते पे सिर्फ उम्र कैद और फांसी। पकड़े जाएंगे तब ना, जब तक मेरे साथ मेरा ये बमतुल बुखारा है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि मुझे जिंदा पकड़ सके। मैं आजाद हूँ और आजाद रहूंगा, और अंजाम के बारे में सोचकर डरने वाला देश के लिए क्या लड़ेगा? अच्छा ठीक है ठीक है। बम और पिस्तौल से सब लड़ाई नहीं लड़ा जाता। कांग्रेस भी तो लड़ाई कर रहा है ना, क्यों ना हम कांग्रेस के साथ जुड़ जाए और उसको मजबूत करें। हाँ लड़ रही है कांग्रेस। कांग्रेस सेशन से आ रहे हैं गांधी जी को सुनकर। डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही है। डोमिनियन स्टेटस यानी कि आधा राज, यानी कि कुर्सी पर तो बैठेंगे हम और हुक्मरान होंगे अंग्रेज। विजय पार्लियामेंट के हर सेशन से पहले लोग खड़े होकर गाना गाएंगे लॉन्ग लिव द क्वीन। आपने की जान शेटा अपनी हर पॉलिसी डिसाइड करने से पहले अंग्रेज लोग की मंजूरी लेंगे और कहलाएंगे आजाद। अरे तुम्हें तो सभी बोझ हो दादा। अच्छा तुमने जा किच भी बोलो ना, क्यों लोग तो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। उसके बाद देश को क्या चाहिए क्या करना है इसके बारे में वो नहीं सोच रही।
अगर कांग्रेस के तरीकों से आजादी मिली तो गोरे साहब तो चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे साहब आके बैठ जाएंगे और हालात वही के वही रहेंगे। अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब। एक ऐसा वक्त आएगा कि धर्म और जात पात के नाम पे इस देश में वो आग लगेगी जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी। तुम कुछ भी कहो भगत, मैं हिंसा को नहीं मानता। नो वायलेंस। व्हाट इज वायलेंस? क्या है हिंसा बताइए जतिंदा? जब कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों पर अन्याय करता है, शोषण करता है, उसकी आजादी को छीनता है तो उसे हिंसा कहते हैं। लेकिन जब कोई अपनी जान और इज्जत के लिए लड़ता है, हक के लिए लड़ता है तो उसे हिंसा नहीं आत्मरक्षा कहते हैं, सेल्फ डिफेंस। भगत, यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई वायलेंस। वायलेंस! आप जो करने जा रहे हैं उसे मैं हिंसा नहीं कहूंगा जतिंदा, उसे मैं आत्मरक्षा कहूंगा, सेल्फ डिफेंस। और वही हम करने की बात कर रहे हैं। गो टू हेल। बोलो कहां चल के मरना है तुम लोगों के साथ? দাদা এই কথাটা ভালো করে বলো না। হ্যাঁ কি ভালো করে বলবো, এই মানুষটা বন্দুক দেখাচ্ছে, তুমি গলা টিপছো। আচ্ছা বাবা রসগুল্লা খাও, চলো চলো। সন্দেশ সন্দেশ। হ্যাঁ हड़ताल पर हैं। हम अपनी बुनियादी जरूरतों की बातें करते हैं, बच्चों की पढ़ाई की बातें करते हैं, रोटी की बातें करते हैं, लेकिन ये खड़ा है हमारा मालिक, हमें देश की आजादी पर लेक्चर दे रहा है। किस आजादी की बात कर रही है? उस आजादी से हमारी हालत में कुछ सुधार आएगा? सही कहा आपने। देखिए आज भी ये मालिक अपने साथ पुलिस लेकर आया है ताकि गोडाउन में पड़ा अपना माल उठा ले जा सके। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। Yeah, don't worry. Officers, I want all of them out of here immediately. मजदूर तभी काम रोकता है जब उसके दुख दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। ऐसी 200 स्ट्राइकें हो चुकी हैं देश भर में इस साल, लेकिन कोई उनके लिए कुछ नहीं कर रहा। सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उनका गला घोटने की कोशिश कर रही है। सारी स्ट्राइकें गैर कानूनी करार कर देगी, बिना सबूत बिना मुकदमे किसी को भी उठा के जेल में डाल देगी। तुमने क्या सोचा है भगत? 8 अप्रैल वॉइसरॉय अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके असेंबली में दोनों बिल पास करने की कोशिश करवाएगा। हम उसका विरोध करेंगे असेंबली में बॉम्ब फोड़कर। बॉम्ब की बोलचे भगत? शांत। लेकिन भगत अंग्रेजों के अलावा वहां हमारे लोग भी होंगे। बॉम्ब ऐसी जगह देखकर फोड़ा जाएगा जहां किसी की जान को कोई नुकसान ना हो। फिर हम बम क्यों फोड़ेंगे? इसलिए कि गोरों की जात बहरी है और बहरों को अपनी बात सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। यह धमाका उन लोगों के लिए एक चेतावनी होगी कि बस बहुत हो गया, अब हम चुप बैठने वाले नहीं है। बढ़िया भगत बढ़िया। इस धमाके से तो इंग्लैंड तक हिल जाएगा और लोगों की भगदड़ में बम फेंकने वाले भी आसानी से निकल आएंगे। नहीं पंडित जी, जो जाएगा लौट के नहीं आएगा, अपनी गिरफ्तारी देगा। भगत क्रांतिकारी कभी हथियार नहीं डालते, आखिर तक लड़ते हैं। हम भी आखिर तक लड़ेंगे पंडित जी। अब तक हमें गैर जिम्मेदार और टेररिस्ट बताया गया है, गिरफ्तारी देकर हम ये साबित कर देंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। इस एक्शन से हम आवाम की नजर में आ जाएंगे, वो हमें जानने लगेगा। कोर्ट केस के दौरान हमारी स्टेटमेंट्स दर्ज की जाएंगी, अखबारों को मजबूर होकर हमारे विचार छापने पड़ेंगे। आवाम तक पहुंचने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत है ये सरकार खुद हमें बना के देगी। उनके गढ़ में खड़े रहकर हम अपने लोगों का विश्वास जीतेंगे। इस काम के लिए दो लोग जाएंगे, एक मैं। तुम नहीं जाओगे भगत। पंडित जी तुम नहीं। पंडित जी मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, क्या करना है क्या बोलना है। जो कुछ भी है तुम बता दो, जो बंदा जाएगा बोल देगा।
लेकिन मैं क्यों नहीं? सॉन्डर्स मर्डर केस की फाइल अभी तक बंद नहीं हुई है और तुम्हें भेजकर मैं कोई चांस नहीं ले सकता। पंडित जी, ये काम मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। ये तय करना मेरा काम है। मिशन होगा लेकिन बंदे मैं चुनूंगा। प्लीज पंडित जी, आप मेरी ये मेरा हुक्म है भगत, एचएसआरए के कमांडर इन चीफ का हुक्म।